हर मछली के शिकार का अलग अलग तरीका, अलग जाल, अलग जगह और अलग अलग खलासी की तादाद होती है। चलें आज हम आपको तफसीलन दिखाते हैं और बताते भी हैं कि फरा मछली का शिकार कब, कैसे और कहां किया जाता है। कब, कैसे और कहां किया जाता है। ये हैं इब्राहिम जो आज के ट्रिप में बतौर नाखवा यानी सुखानी होंगे। ये हैं रशीद जो आज इस पूरे दिन हमारी रहनुमाई करेंगे। ये हैं इकबाल जो रशीद के साथ जाल को फेंकने और चढ़ाने में साथ साथ होंगे। मशीन ऑपरेट करने की जिम्मेदारी रशीद के भाई मोहम्मद की होगी, जबकि ये हैं अली रजा और रहमान जो बतौर हेल्पर काम करेंगे। सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं और हम 18 फीट की कश्ती में इब्राहिम हैदरी की जेटी से रवाना हो रहे हैं। ये कोरंगी क्रीक का एरिया है, जबकि हमें फिट्टी क्रीक जाना है क्योंकि फरा मछली का शिकार वहीं किया जाता है। लेकिन फिट्टी क्रीक तक पहुंचने के लिए हमें शॉर्टकट का रास्ता जिसे कालूनी कहते हैं से जाना होगा। कालूनी बल खाती हुई मखसूस चौड़ाई की एक नहर है, जिससे फिट्टी क्रीक में जाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस वक्त पानी चढ़ा हुआ है, जिससे आम आदमी को पता नहीं चलता कि कॉलोनी की नहर कहाँ है। कुछ पोल निशाने के तौर पर कॉलोनी नहर के साथ साथ लगाए गए हैं ताकि नहर की निशानदेही हो सके। नहर तंग होने की वजह से सामने आने वाली कश्तियों का खास ख्याल रखा जाता है ताकि कोई हादसा वगैरह न होने पाए। इब्राहिम एक तजर्बे का नाकवा है और आगे रशीद भी इसकी रहनुमाई कर रहा है। कॉलोनी से निकलकर अब फिट्टी क्रीक में दाखिल हो गए हैं। कोरंगी क्रीक के मुकाबले में ये चौड़ी क्रीक है। यहाँ कासम पोर्ट का चैनल भी है जहाँ से जहाज आते जाते हैं। अब हम इस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हम जाल डालेंगे। रशीद पोल से पानी का नाप कर रहा है क्योंकि फरा मछली किनारे पर 6 से 7 फीट पानी की गहराई में शिकार की जाती है। अब जाल फेंकने की तैयारी की जा रही है, जिसके सिरे में तैरता हुआ फ्लूट बांधा जाता है
ताकि जाल का सिरा दिखाई दे सके, जबकि दूसरा सिरा कश्ती में बांध दिया जाता है। अब रशीद और इकबाल पहला जाल फेंकने लगे हैं। इकबाल ने अपने हाथ में ग्लोव्स पहन रखा है, जिससे जाल का हेठर वाला हिस्सा आसानी से खिसक कर समुद्र में जा सके। जाल को समंदर में फेंकने के बाद दूसरा पाइप यानी दूसरा जाल तैयार करके रखा जाता है। तकरीबन आधा पौना घंटा इंतज़ार के बाद अब पाइप को खींचा जा रहा है। अच्छा शिकार देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। रशीद और इकबाल जाल खींच रहे हैं, जबकि अली रज़ा और रहमान जाल से हरा मछली निकालने में मसरूफ़ के अमल हैं। इब्राहिम और मोहम्मद अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जाल के हिसाब से कश्ती किस तरफ मोड़नी है, इंजन का स्पीड कितना रखना है, ये हिदायत रशीद की तरफ से जारी की जाती है। इब्राहिम और मोहम्मद को इस पर अमल करना है। पहला जाल मुकम्मल तौर पर कश्ती में चढ़ाया जा चुका है और दूसरा जाल फेंका जा रहा है। इसको फेंकने के बाद पहले जाल से मछली निकाली जाएगी, जिसमें तकरीबन सब खलासी हाथ बटाएंगे। किनारा
मछली के निकालने के बाद इसे फ्रीज किया जाता है। और दूसरा जाल भी चलाया जाता है। अच्छा खासा शिकार इस जाल में भी लगा है। तोरण फिशिंग लंच की तैयारी की जा रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। सुहाने मौसम में फिशिंग का मज़ा ही कुछ और है। सब खुश हैं क्योंकि अच्छा खासा शिकार हाथ लग गया है। ऐसे हसीन मौसम में चाय इन यादों को अमर बना देगी।